ब्रॉड टू यू बाई टेक्नोस पार्क ट्वेंटी सीरीज स्मार्टफोन अच्छा ये गठबंधन टूट गया नई सरकार बन गई उसके बाद आपकी एक मुलाकात होती है मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से अब लोग उस बात को सामने ले आते हैं कि भाई दो सियासतदान मिल रहे हैं तो सियासत की कोई बातें नहीं तो होगी आप ये सोचते हो मैं करनाल में लोकसभा कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगा <laughs> कल करनाल लोकसभा की बैठक थी सब ने कहा है कि मजबूत कैंडिडेट खड़े पर हाँ पोलिटिकल वर्किंग से ये बोल देता हूँ कि बीजेपी के दस सांसद थे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का नाम उसके नीचे वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम अच्छा ये गठबंधन टूट गया नई सरकार बन गई उसके बाद आपकी एक मुलाकात होती है मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से अब लोग उस बात को सामने ले आते हैं कि भाई दो सियासतदान मिल रहे हैं तो सियासत की भी बातें तो हुई होंगी मैं आपको एक चीज़ बड़े अच्छी तरीके से बता दूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी मैंने कहा है मेरे माँ बाप ने इतने तो मुझे संस्कार दिए कि बड़ों का सम्मान करो मनोहर लाल जी सत्तर साल के मैं पैंतीस का हूँ मैंने कभी भी उनके साथ लड़ाई नहीं लड़ी उनसे सीखा भी है उनके साथ अड़के काम करवाया भी है और हमेशा एक फ्रूटफुल वर्किंग रही आज वो उस पद पे नहीं है मैं उस पद पे नहीं हूँ अगर वो मेरे को बर्खास्त करते तो मैं जरूर मेरे मन में ये होता कि मेरे से डिस्कशन बिना ये निर्णय ले लिया उनने इस्तीफा दिया मेरा इस्तीफा ऑटोमेटिकली हो गया मैं चंडीगढ़ आया हुआ था उनका संदेश आया मैं चला गया और मैंने जाके सिर्फ उनका आभार प्रकट किया कि आपने मुझे साढ़े चार साल में गवर्नमेंट वर्किंग में बहुत सहयोग दिया है मैं सीखा भी हूँ और मुझे लगता है मैं कुछ ना कुछ आपके वर्किंग के अंदर फायदा ही दे पाया और मैं धन्यवाद करके आ गया क्या ये संस्कार से अलग कोई चीज है आप ये सोचते हो मैं करनाल में लोकसभा कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगा कल करनाल लोकसभा की बैठक थी सब ने कहा है कि मजबूत कैंडिडेट खड़े करना उनकी हार जीत जो है वो उनके संगठन की सोच है हमारी वर्किंग है हम हम जीते उस सीट को और हम उस हिसाब से काम करेंगे लोकसभा चुनाव की मैं देख रहा हूँ आप कार्यकर्ताओं के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की लगातार बैठक ले रहे हैं आ, दस के दस कैंडिडेट लड़ेंगे या इस तरह को डिसीजन होगा एक ओवरऑल व्यू पॉइंट यही है जी कि वी शुड नॉट लीव एनी लोकसभा कि कल हमारा कैडर किसी और के साथ ना शिफ्ट हो जाए और अब नब्बे विधानसभाओं के ऊपर बैठके शुरू हो चुकी है लगभग तीस की रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुकी है और मैं मानता हूँ कि जैसे ही नब्बे की व्यू पॉइंट आ जाएगा अब जो पीएसी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की नेतृत्व में उसमें वो रिपोर्ट रखेंगे और जैसे पीएसी निर्णय लेगी आगे की कार्यवाही उस प्रकार से चलाएंगे जी अच्छा ये जो मुख्यमंत्री बदले हैं और नए मुख्यमंत्री नायब सैनी आए हैं इसको बीजेपी के जो लोग हैं वो इस तरीके से प्रसारित कर रहे हैं कि भाई ये एक ओबीसी कार्ड है और ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी नजर रखना चाहती मीडिया ने भी इसको ऐसे ही दिखाया दूषण जी कि एंटी जाट वोट बैंक को बीजेपी क्लब करके रखना चाहती है इसलिए बदलाव किया गया चलो आप मीडिया वाले कल ये दिखाने लग जाओगे दुष्यंत पैंतीस का और ये साठ से ऊपर के हैं युवा सरकार बनाओगे तो मेरे फायदा हो जाएगा अच्छा। ये तो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं आप कैसे है? देखते हैं एक जुम्मेवार दी है अभी तो मात्र जुमा जुमा आठ दिन हुए और आठ दिन की वर्किंग के अंदर मुझे तो कोई ऑफिशियल वर्किंग दिखी नहीं अभी तो संगठनक वर्किंग चल रही है ऑफिशियल वर्किंग आने दो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे अगले तीन महीने तो उसके बाद ही तीन महीने बचते हैं तो जब भी मैं इस पर टिप्पणी कर पाऊँगा कि वो कितना इफेक्टिव मुख्यमंत्री बने हैं कितने इन इफेक्टिव मगर हाँ पॉलिटिकल वर्किंग सही है बोल देता हूँ कि बीजेपी के दस सांसद थे अगर बीजेपी का एक भी कम होता है तो इनका फेलियर होगा ओके अच्छा एक सुपर आ... <coughs>

मॉनिटर्ड सीएम है उसके ऊपर बहुत अर्ली होगा आज मैं कोई टिप्पणी कर पाऊँ अभी तो उनके पास अवसर मिला है और एक हफ्ता बहुत छोटा पिक